अरे भैया प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल ऐसे बात, मन की बात करते हैं किसी की, मन की बात प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं किसी की मन की बात तो सुनते ही नहीं। जिसमें महंगाई तो सहलेंगे बेरोजगार लोग, जब देश का प्रधानमंत्री देश का मुखिया ही देश को लड़ाने का काम कर रहा हो तो देश का भविष्य क्या होगा? आप बताइए कौन लड़ा रहा है? प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान की बात करता है, प्रधानमंत्री ईद और दिवाली की बात करता है, प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है? एक प्रधानमंत्री देश का मुखिया ही जब आपस में लड़ाने की बात करेगा तो कौन देश का क्या होगा? बेटा दिखाना और ठोक दिखाना कति, और सारा काम मोदी ने कर रखा है। हम तो मोदी के खिलाफ है, हम कभी नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार आवे। इस वर्तमान सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है, सिलेंडर के दाम इतने आसमान छू रहे हैं जो गरीब व्यक्ति के लिए खरीदना नामुमकिन हो चुका है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो चुका है आज का आम आदमी और गरीब आदमी। इतनी महंगाई होते हुए सरकार बाज नहीं आ रही है। आने वाले 2024 के इलेक्शन में हम बीजेपी सरकार को जड़ से जड़ मूल से इनको निकाल फेंकेंगे। सरकार तो कह रही है महंगाई है ही नहीं, सदन में उन्होंने बोला। महंगाई क्यों नहीं है? सरकार घर में जाके देखे, जॉब कहीं नहीं मिल रहा, जाके देख लो ना स्पोर्ट का काम मिल रहा, बंदे क्या करेंगे? चोर महंगा कर दिया, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज के दाम लगाते जा रहे हैं और पैसे घटाते हैं, हर एक चीज के पैसे घटाते हैं, दाम बढ़ाते हैं, पैसे क्यों घटाओ है? खाने के लिए मजबूर है, छुट्टा जा रहे हैं, हर एक चीज बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा है, कैसे करके खाए? बहुत चीज महंगाई है, देखते भूखा सोए, भूखा सोए क्या, भूखा सोए हम, बहुत चीज महंगाई होती जा रही है, सिलेंडर भी नहीं, घर घर चूल्हे, कभी चूल्हे नहीं देखते, सब घर घर चूल्हे हो रहे हैं, कैसे सिलेंडर भरवाए? किसान महंगाई की वजह से इतना परेशान है, छुट्टा जानवर से इतना परेशान है, किसान हजारों हजार बीघे खेती नहीं कर रहा है, और जब खेती नहीं करेगा, अन्न नहीं पैदा करेगा तो बताइए किसान भूखों नहीं मरेगा? किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान अगर परेशान है तो हिंदुस्तान परेशान है, इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकना बहुत। किसान तो मजबूत हुआ है। क्या मजबूत हुआ है? सदन में संसद के तो नजर आते हैं। अरे इनके अडानी अंबानी मजबूत हुए हैं, किसान नहीं मजबूत हुआ है, किसानों की समस्या है। हम लोग इस सरकार से बहुत पीड़ित हैं। मजबूत बताने वाले लोग ही हम देश को गुमराह कर रहे हैं। 17 रुपया डेली किसान की सिर्फ औकात 17 रुपए डेली की है। आप बताइए 17 रुपए डेली दे रहे हैं, 2000 रुपया महीने का कौना वो झुंझुना दिखाकर। खाने पीने की वस्तुएं इतनी महंगी कर दी है, सभी पे GST लगा दिया गया है। GST क्यों लाया गया इस देश के अंदर? GST लगाने से सारी खाद्य वस्तुएं, खाने पीने की जितने भी वस्तुएं सभी महंगी कर दी गई हैं। आम आदमी के लिए खाना खरीदना, भोजन खरीदना उसके लिए बहुत ही महंगा हो चुका है, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है, ठीक है। अब बच्चा, अब एक आम आदमी बच्चों को पढ़ाएगा या उनको खाना खिलाएगा या अपने घर को चलाएगा, अपनी जिंदगी को चलाएगा? ये इस वर्तमान सरकार में बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है जीवन का गुजर बिसर करना। हम मोदी जी तो देखा, मोदी जी झूठे जुमले देते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये जुमले इनके अब फीके पड़ चुके हैं। अब आंसू दिखाने से और जुमले देने से ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंदिर बनवा, अरे मंदिर से पेट भरेगा, आप भी बता रहे हैं। हर मन में मंदिर है, हर मन में मंदिर है, मंदिर एक इनकी राजनीतिक केवल दिनचर्या है, ये मंदिर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। आज जब से मंदिर का निर्माण कार्य करने की शपथ खाए हैं तब से बताइए मंदिर निर्माण नहीं होगा, क्यों नहीं कर दिए? ये तो मंदिर जिंदा रखना चाहते हैं, लोग गुमराह कर, जिससे गुमराह रहे हैं, इनको रोटी रोजी की चिंता नहीं है। आज ग्रामीण अंचल में प्राइमरी में गरीब बच्चे जो पढ़ते थे उनकी कापी पेंसिल कलम इतनी महंगी हो गई, गरीब बच्चे पढ़ना छोड़ दिए हैं। अगर शिक्षा नहीं करेंगे तो रोड पर भीख मांगेंगे, इनका उद्देश्य है गरीब जनता भीख मांगे। इनके लिए अडानी अंबानी इनके बड़े सेठ साहूकार हैं, उनको गरीबी नहीं है, गरीबी हमको किसान को है, जनता को, बेरोजगार को है। नौजवान हमारा आत्महत्या कर रहा है पढ़ लिख करके, 60-65 अभी अभी हमने पेपर में देखा हमारे, मैं वो यूपी से कह रहे हैं 50 साल तक राज करना है, 50 दिन कर ले 24 के बाद तो बताइएगा हिंदुस्तान में। अब बीजेपी नहीं आएगी, और आप लोग दबाइए नहीं जनता की आवाज़ को, आप लोग दबाते हैं, आप जनता की आवाज़ दबाते हैं, आप लोग सरकार की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते हैं।
हाँ बहुत हो चुका, अब आप लोगों पर भी गुस्सा फूटेगा ये जनता का। आप मीडिया वाले सही बात नहीं करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस देश की पर जीएसटी लागू किया, पेट्रोल डीजल पर तो जीएसटी लगाई है। इस देश की तो बड़ी मीडिया, प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्र एक टैक्स की बात करते हैं जिससे जनता का फायदा होगा, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे? अगर पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाएंगे तो पूरे देश की खाद वस्तुएं सस्ती होंगी, हर एक चीज सस्ता होगा, मतलब किराया सस्ता होगा। आप जीएसटी उस पर नहीं लगा रहे जिससे जनता पर भार पड़ेगा, जिससे जनता पर महंगाई की मार पड़ रही उस पर आप जीएसटी लगा रहे हो, जिससे जनता को राहत हो रही है उस पर आप जीएसटी नहीं लगा रहे हो। कहां से राष्ट्रभक्ति है, कहां से गरीबों की बात करते हैं? अरे राष्ट्र में महंगाई तो सहलेंगे बेरोजगार लोग, जब देश का प्रधानमंत्री देश का मुखिया ही देश को लड़ाने का काम कर रहा हो तो देश का भविष्य क्या होगा? आप बताइए कौन लड़ा रहा है? प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान की बात करता है, प्रधानमंत्री ईद और दिवाली की बात करता है, प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है? एक प्रधानमंत्री देश का मुखिया ही जब आपस में लड़ाने की बात करेगा तो कौन देश का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप बताइए जीएसटी लगाते हो देश में, और हम बता दें कि हमारे हिंदुस्तान बिल्कुल पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। कहाँ बजा रहा है? चीन हमारे देश पर कब्जा कर रहा है, हमारी अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार चीन ने हमारे देश के सीमा पर कब्जा कर रखा है। आप कह रहे हो हमने कुछ नहीं कर रखा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि चीन अपनी वास्तविक स्थिति पर वापस चला जाए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्या हो रहा है भैया? रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? ये नूरा किस्ती क्या हो रहा भैया? सरकार तो सिर्फ चुनाव की तैयारी करती रहती है, चाहे जनता मर जाए, पूरा हिंदुस्तान मर जाए, वो तो चुनाव जीतना है अपने देशों का। अरे आने वाले कल में जब मोदी तो गायब होंगे, लेकिन इस बार अगर मोदी सरकार गई ना तो मोदी जी जेल में होंगे। अगला जिन्होंने जितने दंगे कराए हैं, जितनी हत्याएं करवाई, मोदी जेल में होंगे, और अपने ही लोगों की हत्या करवा कर सहानुभूति पैदा करती है बीजेपी सरकार। आप सोच रहे हो, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक आप बात बताइए, पश्चिम बंगाल में 145 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, ये अमित शाह जी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? पश्चिम बंगाल में हुई है क्योंकि वहाँ उनका जनाधार कम था। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पार्टी मुखल में लड़ाई में लड़ रही, सत्ता में है। राजस्थान में क्यों नहीं हुई हत्याएं बीजेपी कार्यकर्ताओं की? क्यों वहाँ मुख्य लड़ाई में है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुई? पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही है? सिर्फ अपने लोगों की हत्या करके जनता की भी सहानुभूति पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस के देखो बड़े बड़े नेता छोड़ के भाग रहे हैं। अरे ये ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ चाहती है कि अगर धन से नहीं बल से नहीं तो सीबीआई से ईडी से डराकर लोगों को धमकाम। नबी आजाद को कैसे डराया? गुलाम नबी आजाद जिस लालच में गए हुए सारी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी चलने नहीं दे रहे अपने आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हो गए ना, उन्होंने कुछ खिला दिया होगा उसको प्रधानमंत्री जी के कामों से। अरे अच्छे कामों से नहीं, बहुत बड़े बड़े अंदर वाले कामों से, अंदर खाने वाले अंदर काम। अब ये तो मोदी जी बताएंगे ना, क्योंकि वही जानते हैं। तुम नहीं जानते हो, मोदी जी जानते, पूरा देश जान रहा है नेताओं के बारे में, तुम जानते हो। अरे भैया प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल ऐसे मन की बात करते हैं किसी की, मन की बात प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं किसी की, मन की बात तो सुनते ही नहीं। अपने मन की बात कहोगे दूसरे की भी तो सुनोगे? प्रधानमंत्री जी बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, आप देख रहे हो ना कितनी जनता घूम रही सड़कों पर। क्यों घूम रही है? क्योंकि परेशान है, काम है नहीं, बेरोजगार है। आज तक पूरा देश हिंदुस्तान में नफरत की आग लगा रखी है। आप ये बताइए कि देश नफरत से चलेगा? अगर जो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर ये अंग्रेज करते ना पहले, तो आज देश आजाद ही नहीं होता, वैसे ही रहता जैसे पहले था। डिवाइड एंड रूल के जो अंग्रेज चला गए तो उससे दुगनी स्पीड में बीजेपी चला रही। अभी गुलाम नबी आजाद जाके कह रहे हैं कि मोदी जी तो बहुत दयालु निकले। अरे तो गलत समझ, अरे ये बात तुम बिल्कुल एक बार फिर से कहो, मोदी जी तो दयालु है यार, वो तो बिल्कुल दयालु है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को दया दृष्टि से भिखारी बना दिया है। 5 किलो राशन कार्ड में लाइन में लगा रखा है, 5 किलो राशन में लाइन में लगा रखा है। आइए भैया 5 किलो की लाइन में लगे रहिए। कितने रुपए का राशन 5 किलो? 12 रुपए का, और 12 रुपए में लाइन में लगाए हुए है। ये दया है मोदी जी की, कांग्रेस की योजनाओं को लाकर ही कांग्रेस को करो। गेहूं भी गायब हो गया, अब तो चावल ही दे रहे हैं। आपका हरियाणा सोनीपत, बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या बताऊं, हम तो बताने के लाखे नहीं छोड़ रखे ने। महिलाओं के सम्मान की बात मोदी जी कर रहे हैं, महिला की तो कुछ भी नहीं कर रही है। अब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाए का नारा लगा रहा क्या है? कौन सा है बेटी बचाने का काम है? कौन सा कर रखा है इन्हें, ये बताओ मोदी जी ने कौन सा काम कर रखा है? अच्छा। बेटी बचाने का कौन सा काम कर रखा है? बेटी है सुरक्षा नहीं है,
इसके और आप लोग भी नहीं कर सकते, आप लोग वहाँ तक पहुँचा ही नहीं सकते। पहुँचा तो रहे हैं आप, पहुँचा रहे आप, पता नहीं क्या उसके बिके हुए हो क्या। हम नहीं चाहते आप बचा रहे हो, बचा नहीं रहे हो आप। आप तो अभी हमारी बात कर रहे हो और उसके सामने दिखा देते हो, लेकिन हमारी कोई भी सुनाई नहीं है। लोयल लेडीज की तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं है, बता दी। और 1100 का इतना तो सिलेंडर कर दिया, नो बता दे किचन के अंदर क्या क्या नहीं लगता है। एक सिलेंडर थोड़ा लगेगा, और भी है, दाल है, चीनी है, तेल है, तेल इतने ऊंचे हो गए हैं कि लिए भी नहीं जाते। जो किराएदार बेचारे कैसे खाएंगे, किराए देंगे, क्या करेंगे। नहीं, आपकी बात सही है, बहुत सारे मीडिया चैनल ऐसे हैं जो नहीं दिखाते हैं। मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ, और यही दिखाना बेटा दिखाना, और ठोक के दिखाना कति, और सारा काम मोदी ने कर रखा है। ये हम तो मोदी के खिलाफ है, हम कभी नहीं चाहते कि बीजेपी सरकार आवे। हम कांग्रेस पर राजी है, गधे से कांग्रेस के आदमी है, 25-30 साल हो गए हम कांग्रेस में रहते हैं, और कांग्रेस ने हमारा बहुत कुछ किया है। 70 सालों में कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, हमारा कोई बर्बादी नहीं करा, कूड़ कर रहा है अभी बोल गया हम बर्बाद। अभी हमारी बेटियों का भी पता नहीं, बार बार देखो हमारी बेटी मिल जाएगी, समझ गए। हर एक चीज इसने, हर एक चीज को बेचना शुरू कर रखा है, हर एक चीज को। 2 रुपए के गेहूं बोल रखे हैं किसको।